हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी कम्युनिटी चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से कल कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंग्लिश की तैयारी शुरू की जाए, तो 70% कैंडिडेट ने बोला यस। और जिसमें ज़्यादातर CHSL, CGL और MTS को लेकर तैयारी करने के लिए उन्होंने बोला, ठीक। और मैंने ऑप्शन भी दिया था कि बैंक की तैयारी कराई जाए या CHSL या CGL की तैयारी कराई जाए या TET की या KVS की। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आया है CHSL, CGL और MTS को लेकर। तो ऐसा नहीं है जो भी कैंडिडेट अगर SSC की अगर बात करें, CHSL या CGL या MTS की तैयारी करते हैं, उनके अलावा अगर बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं या फिर अगर टीचर की भी अगर तैयारी करते हैं, वहाँ पे उनको इंग्लिश हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ आपका एरर ही नहीं, बल्कि आपका यहाँ पे एरर के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलेंगे फिलर के भी मिलेंगे, जो कि यहाँ से उसके बाद फिलर के बाद आपको यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो होगा एंटोसैनो का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो बस शुरू करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, ठीक, वो डायरेक्शन, पहला जो क्वेश्चन है आपको फाइंड आउट एरर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। नो एरर, यहाँ पे पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ई है, ठीक। ए बी सी डी और ई पार्ट है, यहाँ पे आपका ए बी सी डी ई पार्ट है, चार यहाँ पे पाँच पार्ट है। अब इसमें किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो एरर होगा ये वाला पार्ट में एरर होगा, मीन्स कि सी वाले पार्ट में एरर होगा। अब क्या होगा यहाँ पे एरर, ये सुनिएगा। देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेस्ट के बाद, ठीक है, लेस्ट के बाद जो होता है नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेस्ट जो होता है अपने आप में एक निगेटिव सेंस देता है, ये क्या देता है, अपने आप में एक निगेटिव सेंस देता है, ठीक। तो यहाँ पे एरर आपको इस तरह से मिलेंगे, या फिर कई बार यहाँ पे शुड से रिलेटेड यहाँ पे शुड हटा दिया जाएगा, मेक हैज लेस्ट यू नॉट या यू आर नॉट मिस द ट्रेन, ऐसे करके भी आपको एरर मिलेंगे। तो याद रखिए लेस्ट अपने आप में निगेटिव है और इसके साथ कभी नॉट नहीं आता है, और लेस्ट के साथ कभी भी आएगा वो क्या आएगा, वो शुड लेकर आएगा, ठीक। लेस्ट के साथ शुड आएगा और ये कभी भी निगेटिव नहीं हो इसके साथ आएगा, चूँकि ऑलरेडी ये लेस्ट क्या है, अपने आप में निगेटिव है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC के एग्जाम में पूछा गया, खासकर अगर CHSL की बात करें, MTS की बात करें, CGL की बात करें, तो कई बार ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो याद रखिएगा इसका नियम क्या है, लेस्ट के साथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मीन्स कि अपने आप में निगेटिव है। दूसरा चीज़ कि लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैनी ऑफ अस डोंट नो टू स्विम, मैनी ऑफ अस डोंट नो टू स्विम एट ऑल। नो एरर, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई किस पार्ट में एरर है ना, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। तो ये यहाँ पे जो एरर होगा आपका सी वाले पार्ट में एरर होगा, ठीक, क्योंकि टू के पहले हाउ का अगर प्रयोग होगा, ठीक, तो क्योंकि नो के बाद हाउ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नो के बाद क्या होगा, नो के बाद हाउ व्हेन वेयर व्हाट आदि में से अर्थ के अनुसार किसी एक का प्रयोग कर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। टू के पहले अगर हाउ की बात की गई, ठीक है, टू के पहले अगर हाउ रहे, ठीक, टू के पहले अगर हाउ रहे तो उसके बाद क्या करना होगा, सॉरी, टू के पहले अगर नो रहे तो क्या करना पड़ेगा आपको, टू के पहले, ठीक है, इस गैप में क्या आपको करना होगा, हाउ का यूज़ करना होगा। ध्यान रखिए टू के पहले हाउ का प्रयोग होगा, टू के पहले क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे हाउ का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि नो के बाद, क्योंकि नो के बाद जो होगा यहाँ पे, नो के बाद व्हेन वेयर व्हाट आदि में से अर्थ के अनुसार किसी एक का प्रयोग करते हैं, ठीक। हाउ यहाँ पे नो हाउ यूज़ कर सकते हैं, नो व्हेन यूज़ कर सकते हैं, वेयर यूज़ कर सकते हैं, व्हाट यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक। यहाँ पे अगर बात करें सर, यहाँ पे अगर मीनिंग के अनुसार की बात करें की जाए या अर्थ के अनुसार बात की जाए, तो मीनिंग ऑफ अस के साथ डोंट नो हाउ टू स्विम होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक। तो सी पार्ट में यहाँ पे एरर है, आपको टू के पहले हाउ का यूज़ करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद अ पुअर गर्ल। तो यहाँ पे देखिए मैरिड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ नोट आप कर लीजिएगा, ठीक। एक तो होता है मैरिड,
मैरिड टू, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला बात होगा आपको, एक तो मैरिड आपको मैरिड टू, और एक आपको ध्यान रखना होगा मैरिड मैरिड विद। टू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए वुमेन, वुमेन के साथ अगर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, मैरिड, ठीक है, वुमेन के साथ यूज़ करेंगे तो मैरिड, और अगर मैन के साथ यूज़ करें तो क्या होगा यहाँ पे, मैरिड विद। मैरिड टू होगा वुमेन के लिए, मैरिड विद होगा मैन के लिए। एट लास्ट ही वॉज मैरिड, ही वॉज मैरिड, यहाँ पे क्या होगा, विद नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे, टू होगा। क्या होगा यहाँ पे, आपको विद काटना होगा बल्कि यहाँ पे टू यूज़ करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, अगर ऑप्शन से देखा जाए तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे कह सकते हैं सी वाले पार्ट में एरर है। चलिए यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही सेड दैट सी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। तो पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो सेंटेंस क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में है, इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस कैसा है, इनडायरेक्ट नरेशन में है, और इनडायरेक्ट नरेशन की अगर बात की जाए तो विल का क्या चेंज होता है, विल का होता है वुड। तो आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आ गया होगा कि ही सेड दैट सी विल यहाँ नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे, सी वुड होगा। ठीक, करेक्ट जो होगा सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ किस पार्ट में एरर है, यहाँ भी सी वाले पार्ट में एरर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक एट ओखला। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो यहाँ जो एरर है ये पहला वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इट लगाना होगा, इट बीइंग, ठीक है, इट बीइंग लगाना होगा। और इसको अधिक जानने के लिए आपको एक पार्टिसिपल वाली आप जाके पर्टिकुलर जो हो है उसका चैप्टर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक, ओके, यहाँ पे ये चीज़ होगा, ध्यान रखिएगा। इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो पार्टिसिपल है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो पार्टिसिपल है वो एक्टिव में तो ना, तो एक्टिव में वो काम कर रहा है ना तो पैसिव में काम कर रहा है, इसलिए इसको, इसके जो अगर इसको करेक्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, वी के लिए हमको इसके आगे सब्जेक्ट के रूप में हमें इट लगाना होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के आगे, ठीक है। तो यहाँ पे इट बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक, ध्यान रखिएगा, बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर पिकनिक। ठीक, वैसे पार्टिसिपल का यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, अगर कभी इसका सेंटेंस दिखेगा तो आपको इट आगे लगाना होगा। चलिए, क्योंकि अगर बात SSC करें, MTS की करें, CGL की करें, तो डायरेक्ट आपसे आप रूल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। बैंकिंग की बात करें वहाँ पे कुछ ट्रिकी पूछते हैं, तो बैंकिंग वाले भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, बैंकिंग में भी कई बार ये हेल्पफुल होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मेनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। अब किस पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है, ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रूल समझिए, मेनी ए मैन, ध्यान रखिए, मेनी ए मैन, तो कहने का मेनी ए, ठीक है, मेनी ए के बाद जो होता है, ठीक, मेनी ए के बाद, ध्यान रखिएगा, आफ्टर मेनी ए मीन्स कि मेनी ए के बाद, सबसे पहले नाउन की अगर बात करें तो नाउन और एक भर्ब, दोनों क्या होंगे भाई, ये भी सिंगुलर होंगे और ये भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेनी ए के बाद, मेनी ए के बाद, आफ्टर मेनी ए नाउन ऑलवेज इन सिंगुलर एंड वर्ब ऑल्सो ऑलवेज इन सिंगुलर। कहने का मतलब मेनी ए के बाद जो होगा नाउन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नाउन है मैन, ये भी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, और यहाँ पे अगर बात करें वर्ब का तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि क्या होगा यहाँ पे, आपको हैज करना होगा, ध्यान रखिएगा। मेनी ए मैन हैज़ बीन होगा, ना कि हैव बीन होगा। मेनी ए के बाद एक तो यहाँ पे जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर में होगा, और आपका जो वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर फ्लैट इज़ सुपीरियर दैन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब देखिए एक वर्ड हमें यहाँ पे सुपीरियर दिखा, ठीक है, सुपीरियर, ओके, तो सुपीरियर की अगर बात करा जाए, यहाँ पे सुपीरियर की बात किया जाए, तो सुपीरियर के साथ देखिए क्या होता है, सुपीरियर के साथ
टू का यूज़ होता है, ठीक। सुपीरियर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड है जिसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं, जैसे सुपीरियर हो गया, इन्फेरियर भी हो गया, ठीक, इन्फेरियर हो गया, बहुत सारे वर्ड है, इन्फेरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ठीक। तो कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, उसके साथ जो होगा, जैसे सुपीरियर के साथ टू लगेगा, इन्फेरियर के साथ टू लगेगा, पोस्टीरियर के साथ टू लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दैन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, ठीक, दैन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, यहाँ पे टू होगा, ध्यान रखिएगा आप इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली, ठीक। यहाँ पे एक्शन, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, शायद इट फुली होना चाहिए, ठीक ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। अब देखिए यहाँ पे इन डिटेल्स एक वर्ड दिखा आपको, कुछ देखिए यहाँ पे फ्रेजल्स रिलेटेड आपको क्वेश्चन एरर देंगे, तो यहाँ पे इन डिटेल्स जो है, इन डिटेल होता, ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक। और फ्रेज क्या होता है, नो चेंज, फ्रेज क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, उसके अर्थ में इन डिटेल की बात की गई यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इन डिटेल है, एस लगाया गया, जो कि यहाँ पे गलत है, एस जो लगाया गया यहाँ पे गलत है, बल्कि क्या होगा यहाँ पे, इन डी टेल सही होगा, यहाँ पे एस जो लगा हुआ है वो गलत है, ठीक है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स नहीं होता है, क्योंकि इन डिटेल अपने आप में एक फ्रेज है और फ्रेज कभी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मेडोज नियर आवर फार्म। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड कैटल्स दिखा, ठीक, तो कैटल तो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसका प्लूरल एस लगाकर अगर हम बनाते हैं इस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगा के हम इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यू आर रियली सीनियर। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि सीनियर के साथ क्या लगता है, सीनियर के साथ टू लगता है, दैन का यूज़ नहीं होता है, तो बस इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यू आर रियली सीनियर टू मी इन इज, क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कुछ फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे फिलर जो है, ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, ठीक, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, और क्वेश्चन टैग का नियम आपको पढ़ लेना चाहिए, इस तरह के अगर फिलर करने हो तो आपको क्वेश्चन टैग के रूल्स पढ़ने होंगे। सबसे पहले कि नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कीजिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे नेगेटिव में चेंज कीजिए, ठीक, इस बात पर आपको फोकस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का यू विल कम, ये क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक, ये पॉजिटिव में है तो सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो चलो ये तो होगा नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव में, तीन बच गए नेगेटिव में, अब तीन में भी क्या होगा, विल है, यहाँ पे विल है, तो विल का क्या होता है नेगेटिव, विल का होता है वोंट, विल का होता है वोंट, वोंट मीन्स की डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, यू विल कम वोंट यू, यू विल कम वोंट यू, आरेंट नहीं होगा चूँकि विल का अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वोंट होता है, ठीक, और ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आगे आता है, ठीक, अगर यहाँ पे कोई नाम होता, कोई नाउन होता, जैसे राम होता, श्याम होता, उसके बदले हम ही, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, उसके लिए सी, हर लगाते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे अगर प्रोनाउन रहेगा, ठीक है, प्रोनाउन रहेगा तो अपने जैसे फॉर्म है वही फॉर्म में होगा, यू का यू होगा, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एडमिशन वाज डैश लेडीज, एडमिशन वाज यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले समझिए रिस्ट्रिक्टेड बाय और रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब, ठीक, रिस्ट्रिक्टेड बाय और रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब, देखिए अब इसके मतलब होता है के द्वारा बाधित, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टेड टू का मतलब होता है के लिए आरक्षित, के लिए आरक्षित, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर बात कीजिए एडमिशन की बात की गई, तो एडमिशन जो है लेडीज़ के लिए क्या किया जाता है, बाधित नहीं किया जाता है, बल्कि लेडीज़ के लिए क्या होता है, आरक्षित होता है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा, रिस्ट्रिक्टेड टू लेडीज़, एडमिशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू लेडीज़, ना कि लिमिटेड बाय, क्यों लिमिटेड होगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे, द पैलेस गार्डन्स डैश टू द पब्लिक ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, तो समझिएगा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बात की गई है कि सबसे पहले अगर बात होगा अगर जनरल फॉर्म में हो, ठीक है, जनरल पर्पस से, अगर जनरल पर्पस की बात की जाए तो
तो सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले जो होगा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा और प्रेजेंट में होगा, ठीक, प्रेजेंट में होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो होगा ये इज़ होगा, द पैलेस गार्डन्स इज़ ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडे एंड संडेज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इन क्वेश्चन में यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है अपने आप में बहुत ही खास बनाता है। देखिए तीनों का मतलब बोलने के टर्म में लगभग सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट की बात करते हैं, एक्सपेक्ट की बात कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, ठीक। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, किसी चीज़ को छोड़कर, है ना, और एस्पेक्ट मतलब पहलू होता है किसी चीज़ की पहलू, और एक्सेप्ट मतलब तो आप सभी को पता होगा कि स्वीकार करना होता है। अब यहाँ पे बात की गई आई डैश यू टू बी होम बाय 8 o'clock, अब मैं क्या करूँगा भाई, आपको आपके घर पर 8 बजे तक क्या करूँगा, आई एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आई एक्सपेक्ट यू टू बी होम बाय 8 o'clock, मैं आशा कर सकता हूँ कि या अनुमान कर सकता हूँ कि आप 8 बजे तक घर पे होंगे, है ना, 8 बजे तक घर पे ही होते होंगे, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि टू बॉयज़ डैश द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशियंसी, अब दो बॉयज़ है और प्राइज़ को क्या किया जाएगा, प्राइस को ना तो शेयर किया जाएगा ना डिप्यूटेड किया जाएगा, डिप्यूटेड में नियुक्ति किया जाएगा ना कि शेयर, शेयर मतलब थोड़ी उसको टुकड़ा टुकड़ा प्राइस को किया जाता, नहीं नहीं गिव किया जाएगा, टू बॉयज़ डिसाइड किया जाएगा ना, दो लोग हैं, अब दो लोग हैं तो दो लोग में डिसाइड होगा, किसी एक को तो मिलना होगा ना, दो में से किसी एक को तो मिलेगा, चाहे इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, तो यहाँ पर डिसाइड होता है ना कि गिव होगा, दोनों को नहीं दिया जाएगा, टू बॉयज़ डिसाइडेड फॉर द प्राइज़ फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। चलिए अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन जो हो गया आपका साइनोन हो गया, ठीक है, बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स की साइनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे बार्गेन, बार्गेन का जो सिनोनिम्स क्या होगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिखेंगे आपको, बोनस, नेगोशिएट, डिस्प्यूट, सरप्लस। सबसे पहले आपको जाना होगा बार्गेन का मतलब होता है क्या, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, है ना, मोल भाव करना, नेगोशिएट करना मोल भाव करना। अब बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना और नेगोशिएट का भी मतलब होता है मोल भाव करना, ठीक। डिस्प्यूट नहीं होता है भाई, डिस्प्यूट कोई विवाद होता है, झगड़ा विवाद होता है। सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त बचत होता है, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, झगड़ा, है ना, झगड़ा कह सकते हैं, झगड़ा या विवाद कह सकते हैं इसे। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त बचत होता है, अतिरिक्त बचत होता है भाई यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। और बोनस का मतलब तो पता है कि क्या होगा, लाभ होगा, यहाँ पे बोनस कोई लाभ, कोई अतिरिक्त लाभ। तो यहाँ पे बार्गेन मोल भाव का नाम है उसकी नेगोशिएट करना, नेगोशिएट का भी मतलब सेम होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, रबस्ट, रबस्ट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी कर सकते हैं या कठोर कर सकते हैं, ठीक, या कठोर कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पे क्या होगा, वीक मतलब होता है कमज़ोर, जो कि होगा नहीं, है ना, ये होगा नहीं। थिन मतलब होता है पतला, ये भी नहीं होगा। हैवी मतलब होता है भारी कोई वस्तु और कोई भारी, ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन जो होगा सही स्टडी, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन होगा, स्टडी मीन्स जिद्दी कठोर यहाँ पे कह सकते हैं। उसी तरह रबस्ट का मतलब यहाँ पे होगा जिद्दी कठोर, या एक और मीनिंग जाना तो मजबूत भी इसे कह सकते हैं। चलिए यहाँ तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 में है क्या, 18 मतलब सबमिसिव का मतलब होता है कि विनम्र, विनम्र या दब्बू कह सकते हैं कि बहुत आसानी से कोई बात मान लेने वाला, है ना, दब्बू विनम्र, बड़ी बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही सीधा साधा। तो यहाँ पे जो होगा साइनो जो होगा इसका वो क्या होगा, डोसाइल, सो आंसर क्या होगा इसका, डोसाइल, डोसाइल का मतलब भी सेम होता है। बाकी अनिलिक मतलब होता है कि दृढ़ कठोर कह सकते हैं, ठीक है, दृढ़ कह सकते हैं। अष्टम मतलब भी जिद्दी होता है, है ना, जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी जिद्दी होता है। तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र या दब्बू, या फिर कह सकते हैं विनम्र, है ना, सबमिसिव मतलब विनम्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, सफल, सफल का मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले जानें कि सफल का मतलब होता है लचीला, लचीला, लचीला। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने चार ऑप्शन, क्या होंगे, तो आंसर होगा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब भी होता है लचीला। बाकी रिजिट मतलब होता है हार्ड, मतलब रिजिट मतलब
भी कठोर होता है, हार्ड मतलब भी कठोर होता है, राउंड मतलब गोल गोल कुछ ऐसा होता नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सी। अब आते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? धनी। ठीक, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। और यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग होगा वेल्दी। वेल्दी का मतलब भी होता है सेम, इसका भी मतलब होता है धनी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। बाकी प्रेशस का मतलब क्या होता है? कीमती है ना, कीमती होता है। बेनेवोलेंट का मतलब उदार होता है, दयालु कहिए, उदार कहिए। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? अनुकूल कह सकते हैं, अनुकूल या मित्रवत है ना। प्रेशस का मतलब कीमती, बेनेवोलेंट का मतलब उदार या विनम्र या दयालु, फ्रेंडली का मतलब होता है अनुकूल या मित्रवत या अच्छा वेल्दी जो होगा धनी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अपोजिट। यहाँ पर देखेंगे अपोजिट, अपोजिट यहाँ पर क्या होगा मीनिंग। ऑथेंटिक का मतलब होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब कोई वैध होना चाहिए, कोई प्रमाणिक होना चाहिए। तो आंसर जो होगा इसका अपोजिट। देखिए अपोजिट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा अपोजिट की बात की गई। तो अपोजिट का मतलब होगा उल्टा, इसका उल्टा। प्रमाणिक का मतलब जो कि वैध हो, सही हो। लेकिन फिक्सर्स का मतलब होता है क्या? नकली। तो इसका अपोजिट जो होगा आंसर डी नंबर होगा ऑप्शन नकली। बाकी लेजी टीमेट का मतलब होता है वैध, ठीक है, प्रमाणिक है, वैध है। इंटाइसिंग का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षक है ना। डेरिंग का मतलब तो पता है कि सबको कि साहसी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब देखिए 22 का मतलब चूज़, चूज़ का मतलब क्या भाई? चुनना, सेलेक्ट करना ना, सेलेक्ट करना, या हम इसे कहेंगे सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट का अपोजिट क्या होगा? रिजेक्ट करना, ठीक। बाकी वांट का मतलब पता है कमी होता है, एक मीनिंग ऐसा नोट कर लीजिए। डिसलाइक मतलब कि नापसंद करना, और डिजायर मतलब होता है इच्छा। चलिए अब बढ़ेंगे 23 पे। 23 का क्या होगा मीनिंग? जक्स्टा पोजिशन का मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक कोई वस्तु को रखा हुआ होता है आसपास में, उसको कहते हैं जक्स्टा पोजिशन। तो इसका अपोजिट जो होगा 23 का वो होगा क्या? यहाँ पे 23 का होगा रिमोटनेस, मीन्स कि नज़दीक नहीं बल्कि दूर में कोई चीज़ रखा हुआ। बाकी सेपरेशन का मतलब किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना, दो भागों में बांट देना, ठीक, एक जगह नहीं होना बल्कि दो भागों में बांट देना। टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति, और प्रॉक्सिमेटली का मतलब होता है नज़दीकी, ठीक, इसका मतलब होता है नज़दीकी। तो ये तो होगा नहीं, तो आंसर जो होगा इसका अपोजिट में रिमोटनेस। नज़दीक का होता है यहाँ पे दूरी कह सकते हैं, रिमोटनेस मतलब दूरी, और जक्स्टापोजिशन का मतलब नज़दीकी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। 24 का मतलब बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या होता है भाई? सभी को पता होता है साहसी। अब साहसी का उल्टा क्या होगा? डरपोक। आंसर होगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक है ना, डरपोक। बाकी ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, वेल्दी का मतलब धनी होता है। तो ये तो होगा नहीं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हेस्टन का मतलब होता है जल्दी या शीघ्र, शीघ्र होता है, या फिर हम क्या करेंगे जल्दी। तो जल्दी का क्या होगा? स्लो होगा। जल्दी का क्या होगा? स्लो होगा। बाकी ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा पहुंचाना, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश करना, लैक का मतलब होता है कमी है ना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, और ये लेसन कह सकते हैं आप पहला कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्लास 1 कह सकते हैं। और यहाँ पे CHSL और CGL की साथ साथ MTS की यहाँ पे आप लोगों के साथ तैयारी शुरू कर दिया। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सक्सेस प्लेटफॉर्म की को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी आप एक बार क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल के थ्रू कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो, ताकि दूसरों को भी इससे पढ़ने में मदद मिले। और हाँ, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। गाइस बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।